रीवा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज मोड़ के पास देर रात गोली चालान की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच कर रहे हैं। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि दो युवकों ने रितेश रावत नामक युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर गोली का खोखा भी बरामद किया है। अभी सूचना मिली थी कि एजी तिराहे के पास क्रेन सर्विस में एक लड़का काम करता था रितेश रावत, रोड से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से निकलते हुए उसको फायर किए हैं, जो उसके कमर के ऊपर लगी हुई है। घटनास्थल देखने पे खोखा मिला है और इलाज अभी इसका संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हालत ठीक है, आरोपियों की पता तलाश की जा रही है, बीएचएन जारी है।